दोस्तों, इस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में एक डिश एंटीना का कनेक्शन है और अगर आपके स्विच बोर्ड में भी इस तरह का कनेक्शन है तो यह वीडियो आप पूरा देखिएगा। दोस्तों, यह जो हमारा कनेक्शन होता है, जो हमारी छतरी ऊपर लगी होती है टीवी को हमारे सेटअप बॉक्स को चलाने के लिए, यह उसका केबल है। अंडरग्राउंड फिटिंग है दोस्तों और इस तरह के सेटअप बॉक्स में इस केबल को लगाना होता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में अंडरग्राउंड फिटिंग करने के बाद इसमें इस तरह की केबल की ज़रूरत होती है जो कि ऑनलाइन काफ़ी महंगी है और मार्केट में आसानी से नहीं मिलती है। तो आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे इस केबल को आप आसानी से कैसे घर पे ही बना सकते हैं कुछ सामान मार्केट से लेके। तो पहले आप इसका दोस्तों कनेक्शन देखेंगे। यह जो हमारा बोर्ड है इसमें हैवेल्स रियो की फिटिंग है और ये जो एंटीना केबल आई है दोस्तों, इसमें दो तार होते हैं। एक तार दोस्तों यह होता है हमारा येलो कलर का, ये पीला पीला सा, ये दोस्तों हमारा मेन तार होता है जो कि बीच के पॉइंट पे लगता है। और दोस्तों एक हमारा बॉडी अर्थ होता है, ये एल्युमिनियम का तार होता है, इसमें भी दोस्तों सप्लाई होती है। और यह दोस्तों हमारा जो है कनेक्टर जो हमारा होता है इसके बॉडी में लगता है सॉकेट के। तो दोनों तार आप देख रहे होंगे दोनों स्क्रू से लगे हुए हैं और दोनों दोस्तों अलग अलग होते हैं। बीच का अलग होता है और किनारे का जो बॉडी वाला होता है वो अलग होता है। अगर यह तार आपस में मिल जाए तो सिग्नल नहीं आता है। अब दोस्तों यह हमारा केबल है जो कि मार्केट में काफ़ी महंगा मिलता है, आप इसको घर पे कैसे बना सकते हैं। इसमें आप देखेंगे एक साइड तो हमारा कनेक्टर लगा हुआ है और एक साइड हमको ये इस टाइप का जो कनेक्टर होता है ये मार्केट में मिल जाता है। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं या आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान से ले सकते हैं। इस तरह के कनेक्टर को लगाना होता है जो कि हमारा स्विच बोर्ड में लगता है। तो दोस्तों मेरे यहाँ पर ये मार्केट में आसानी से मिल गया। तो दोस्तों ये एक साइड जो लगा हुआ है इसको कैसे लगाना होता है हम आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों अलग अलग डिजाइन के कनेक्टर होते हैं, जैसे कि एक ये है इसमें येलो रिंग लगा हुआ है, ये भी दोस्तों सेम कनेक्टर है जो कि हमारा सेटअप बॉक्स में लगता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये लॉक हो जाता है एक टूल के द्वारा। और कुछ कनेक्टर दोस्तों ऐसे होते हैं जिनको आप ऐसे ही लगा सकते हैं बिना टूल की हेल्प से। तो इस कनेक्टर को दोस्तों हम आपको लगा के दिखाएंगे। तो दोस्तों केबल को आपको कुछ इस तरह से कट कर लेना है। आप देख रहे होंगे इसमें दो लाइन होती हैं, एक जो ये बॉडी होती है एल्युमिनियम की होती है, ऊपर के साइड जाली टाइप की, इसको आप ऊपर के साइड मोड़ देंगे। और एक येलो तार होता है, ये हमारा मैन तार होता है। और दोनों तार के बीच में एक पन्नी होती है दोस्तों प्लास्टिक, जिससे कि ये आपस में टच ना हो। तो सिंपली आप इसको जो है कट करने के बाद केबल को ऐसे धीरे धीरे घुमा के आप इसके अंदर कर देंगे। और यह वाला जो हमारा कनेक्टर होता है, ये वाला दोस्तों हमारा सॉकेट, जो हमारा सेटअप बॉक्स होता है, जो LNB की सप्लाई यहाँ पर लगती है सिग्नल की, उस जगह पर हमारा ये सेटअप बॉक्स में लगता है। तो दोस्तों इसको आप इस तरह से लगा लेंगे। इसके बाद दोस्तों इस तरह से जब आपका ये कनेक्टर लग जाता है तो आपको जो है दूसरे साइड जो है दूसरा वाला कनेक्टर लगाना है, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में जो सप्लाई आती है उसमें लगाना होता है। तो केबल को आप कुछ इस तरह से कट कर देंगे। अच्छी केबल दोस्तों आपको लेना होगी और केबल आप अपनी दूरी के हिसाब से ले सकते हैं स्विच बोर्ड से सेटअप बॉक्स की दूरी कितनी है। मेरा 1 मीटर का दोस्तों ये केबल है और परफेक्ट है, पर्याप्त है दूरी के हिसाब से। इसमें भी दोस्तों दो तार होते हैं और ये जो कनेक्टर होता है इसमें भी दोस्तों ये बॉडी है और एक अंदर मैन है हमारा अंदर के साइड, जिसमें येलो तार लगता है। दोनों तार दोस्तों आपस में अलग होते हैं जैसा कि मैंने बताया, तभी हमारे सिग्नल अच्छे तरीके से आते हैं। तो इसको दोस्तों हम कुछ इस तरह से लगा देंगे। जो हमारा एल्युमिनियम वाला दोस्तों जो जाली वाला लाइन है वो हमारा बॉडी में टच हो जाएगा और जो कॉपर वाला है वो अंदर के पिन में हमारा इंसर्ट हो गया, जिसको हम पेचकस की सहायता से टाइट कर देंगे। दोनों लाइन दोस्तों हमारी क्लियर हो गई हैं। अब इसके ऊपर हम अच्छे से टेप लगा देंगे, जिससे कि ये जाली वाले जो तार है वो आगे की साइड ना आए और जो हमारा मेन वायर है येलो वाला उसमें टच ना हो। टेप लगाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो कैप है उस कैप को लगा देंगे और ये केबल दोस्तों हमारी रेडी है। तो दोस्तों इसको बनाना काफ़ी आसान है और मार्केट में ये आसानी से मिलती नहीं है, ऑनलाइन काफ़ी मिलती है। और घर पे आप इसको सिर्फ 50 रुपये में आसानी से तैयार कर सकते हैं। 30 रुपये के आसपास दोनों कनेक्टर मिल जाते हैं और 10-20 रुपये में आपको ये 1 से 2 मीटर केबल मिल जाती है। अब इसे एक बार हम मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं, उसके बाद इस्तेमाल करेंगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अच्छे सारे कनेक्शन हो गए हैं। मीटर को दोस्तों कंटिन्यू पॉइंट लगाएंगे, पहले बाहर की लाइन चेक करेंगे। अब अंदर की चेक करेंगे। तो केबल हमारी सही है, हमने चेक कर ली है, अच्छे से काम कर रही है और दोनों कनेक्टर आपस में अच्छे से जॉइंट हो गए हैं। अब इसको दोस्तों हम अपने सेटअप बॉक्स में लगाते हैं। स्विच बोर्ड को दोस्तों हमने फिट कर लिया है, एक कनेक्टर हमने दोस्तों अपने सेटअप बॉक्स में लगा लिया है।
LNV इन यहाँ पर लिखा होता है, और दूसरा इस बोर्ड में जो हमारा ऊपर से केबल आया छतरी से उसमें लगाएंगे। और अब हमारा सिग्नल जो है सेटअप बॉक्स को जा चुका है। सेटअप बॉक्स दोस्तों ऑन करके सिग्नल हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे पूरे सिग्नल आ रहे हैं। तो दोस्तों आप भी इसी तरह से इस केबल को बना सकते हैं। अगर आपके यहाँ भी फिटिंग में अंडरग्राउंड एंटीना केबल फिट है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में, तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।